इंडिया में अभी भी पूरी तरह से लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है। कोई कोई जगह अभी भी फिर लॉकडाउन चल रहा है, एंड उसकी वजह से लोगों को और भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, फेस करना पड़ रहा है। एंड जो हम लोग का कोरोना वायरस COVID-19, उसका तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है अभी इंडिया में। उसकी वजह से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन्स है, किसी भी वक्त पे कुछ भी हो सकता है। ये सब लेके बहुत माइंड में टेंशन चल रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, बिकॉज उसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा इसलिए प्रॉब्लम्स हो रहा है क्योंकि कंपनी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कंपनी लॉकडाउन है, तो कंपनी लॉकडाउन की वजह से जॉब भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, किसी किसी का जॉब जा रहा है, किसी का फाइनेंस पे प्रॉब्लम हो रहा है। कोई कोई वायरस लेके टेंशन पे है, तो ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, पहले से और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुके हैं हम लोग। तो इस वजह से मैं एक सजेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन आप लोगों को ऑब्वियसली ये चीज़ से ओवरकम करने में हेल्प करेगा, आपकी जो माइंड है उसको रिलैक्स करने में, एक चीज़ में फोकस करने में, एंड आपको स्ट्रेसफुल देने में, रखने में लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हाय गाइस, दिस इज अर्पिता। आज मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताने वाली हूँ। मेडिटेशन एक्चुअली क्या है? मेडिटेशन है एक टेक्निकली एक चीज़ है जिसको आपको अटेंशन देने में बहुत हेल्प करेगा। आपको एक चीज़ के ऊपर पूरी तरह से अटेंशन देना पड़ेगा ताकि लाइफ में आप एक चीज़ में फोकस कर पाए एंड माइंड को काम डाउन कर पाए इमोशनली एंड फिजिकली, ताकि आप जाके एक स्टेबल पोजीशन पे लाइफ में आप फोकस एंड डिटर्मिनेशन देके उस चीज़ को लाइफ में हासिल कर पाए, जो भी आपका गोल्स है लाइफ में। एंड अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस चीज़ से ओवरकम करने में ये मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेडिटेशन सिर्फ मॉन्क लोगों के लिए नहीं है, मेडिटेशन सबके लिए है। आज जो लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जो लोग आज लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन है, कामयाबी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हासिल हुआ है, उन लोग ऐसे ही एक दिन में हासिल नहीं कर लिए ये सब चीज़। उस चीज़ के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट थे। गोल को पाने के लिए एक चीज़ को आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत बड़े बड़े फेमस जो लोग हैं वो लोग भी आज मेडिटेशन करते हैं। स्वामी विवेकानंद डिफाइंड मेडिटेशन फर्स्ट एज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ अप्रेजल ऑफ ऑल थॉट्स टू द माइंड। ही देन डिफाइंड द नेक्स्ट स्टेप एज टू असर्ट व्हाट ही रियली आर, एग्जिस्टेंट नॉलेज एंड ब्लिस, बींग नोइंग एंड लविंग, विच वुड रिजल्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। देन कम्स ऑपरा विनफ्रे। ऑपरा हैज बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एवरी डे सीन्स she invited meditation teachers to her post studies in 2011 to lead the entire company together in meditation at the beginning and end of the work of the day. और पहले भी मेडिटेशन कर चुके हैं, इस वजह से आज वो लोग सक्सेसफुल है लाइफ में। एक चीज़ में वो लोग फोकस है, कोई अपना ट्रैक अपना चेंज, मतलब हम लोग अगर फोकस इस चीज़ में करते हैं तो कितना भी हम लोग को लाइफ में मुश्किल आ जाए तो हम लोग मतलब स्ट्रेस नहीं होते, टेंशन नहीं लेते हैं, हम लोग को भटक नहीं जाते, मतलब ट्रैक नहीं चेंज कर लेते, एक चीज़ में हम लोग फोकस करते हैं। तो यही है तो मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद हम लोग को ब्रेन में क्या होता है तो आपको एक एक करके मैं बताऊंगी। जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो ब्रेन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं हम लोग की लाइफ में। फर्स्ट पॉइंट इज बेटर फोकस। फोकस अटेंशन इज वेरी मच लाइक अ मसल, वन दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन थ्रू एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट इज लेस एंग्जाइटी। दिस पॉइंट इज प्रिटी टेक्निकल बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। द मोर वी मेडिटेट द लेस एंग्जाइटी वी हैव। सो मोर थर्ड पॉइंट इज मोर क्रिएटिविटी। रिसर्चर्स एट लीडिंग यूनिवर्सिटी in the Netherlands studied both focus attention and open monitoring meditation to see if there was any improvement in creativity afterwards. They found that people who practice focus attention meditation did not show any obvious signs of improvement in the creativity task.
following their meditation. However, they perform better on a task that asks them to come up with a new ideas. So, यहाँ पे लाइक मोर क्रिएटिविटी में क्या होता है, हम जब मेडिटेशन करते हैं सो मेडिटेशन में हम लोग ब्रेन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मतलब एक स्टार्ट हो जाता है, हम लोग क्रिएटिव आइडियाज थिंक कर सकते हैं जब मेडिटेशन करते हैं. फोर्थ वन इज़ बेटर मेमोरी. मेडिटेशन हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर मेमोरी. When you forget anything, it's help us to recall that memories. So last and final point is less stress. So हम लोग जब meditation करते हैं, जो लोग meditation daily करते हैं जैसे मैं करती हूँ, so मैं actually mindful meditation को follow करती हूँ. Mindful meditation पे ये आपको फ़ायदा मिलता है कि हम लोग जो डेली लाइफ में, हम लोग को सभी के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और ख़ास करके अभी जो सिचुएशन है वर्ल्ड में, जो सिचुएशन हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से जो कोरोना का कोविड-19 का जो प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बढ़ चुका है, उसकी वजह से फिनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमी का इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कि सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन्स है. बट मेडिटेशन आप लोग को ये चीज़ में हेल्प करेगा कि आपको आप लोग हम लोग ज़्यादा जितना स्ट्रेस लेते हैं उससे ज़्यादा हम लोग को लाइक वेट गेन हो जाता है. हम लोग अगर ठीक तरह से नहीं सो पाते उससे भी वेट गेन हो जाता है, हम लोग का हार्मोनल जो इम्बैलेंस बिगड़ जाता है. बट मेडिटेशन इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है, आपको स्ट्रेस जो होता है बहुत ज़्यादा कम कर देता है. जब आप मेडिटेट करते हो एक चीज़ में फोकस करके, एक जगह बैठ के या सो के, तो आपको लेस मतलब जो स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, लेस स्ट्रेस होता है लाइफ में. तो मेडिटेशन इस चीज़ में बहुत काम आता है. एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों को कि मेडिटेशन आप प्लीज़ कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है सभी की लाइफ में. तब मेडिटेशन आप अगर डेली करते हो, फॉलो करते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाला है. तो आफ्टर मेडिटेशन हम लोग क्या फील करते हैं? वी फील मोर कनेक्टेड to the nature of our life, more relaxed, more focused, and we have an internal power. हम लोग एक internal power feel करते हैं हम लोग की insight में. तो मैं meditation कर रही हूँ लगभग 2 months से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है meditation करने के बाद. meditation करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती थी, मतलब इरीटेट होती थी हर बात पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, थोड़ा चिड़चिड़ होती थी, ज़्यादा वॉल्यूम पे मैं बात करती थी. जब से मेडिटेशन मैंने स्लोली स्लोली, क्योंकि मेडिटेशन को आपको एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं आता है, मेडिटेशन करने के बाद स्लोली स्लोली आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि मैं फील कर रही हूँ. मैं पहले से ज़्यादा फोकस कर पा रही हूँ एक चीज़ में, मुझे जो मेरा गोल सेट है उस चीज़ को मैं अच्छी तरह से दिमाग में माइंडसेट करके उस चीज़ में फोकस कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है लाइफ में. थोड़ा मतलब हम जो स्ट्रेस लाइफ है उससे थोड़ा मुझे रिलीफ मिल रहा है मेडिटेशन करने के बाद. मैं मोर क्रिएटिविटी आ रहा है क्योंकि मुझे एक चीज़ में क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ में मुझे आइडियाज़ मिल रहा है मेडिटेशन करने के बाद. मुझे हैप्पीनेस मिल रहा है मेडिटेशन करने के बाद, मुझे रिलैक्स फील हो रहा है मेडिटेशन करने के बाद. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और एक खासियत ये है कि मेडिटेशन करने के बाद हम लोग कभी नहीं सोचते आई, ये जो आई वर्ड है ना मेडिटेशन करने के बाद, हम लोग सोचते यू और वी, मतलब हम कर सकते हैं ये चीज़, हम अकेले नहीं, हम सभी मिलके कर सकते हैं ये चीज़. ये चीज़ का आपको दिमाग में बैठाना है कि मेडिटेशन करने के बाद हम लोग का बहुत सारा चेंजेस होता है. जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन लोगों का जो ब्रेन है, हम लोग का नॉर्मल ब्रेन है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. तो लास्ट ये है कि कैन मेडिटेशन हेल्प इन PCOS? इज श्योर, बिकॉज मेडिटेशन का मेन मकसद ही है, मेन एम ही है आपको स्ट्रेस को कम करना है. तो आपको स्ट्रेस को कम करना मतलब आपकी बॉडी में अगर जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा आपका हार्मोनल में इम्बैलेंस होगा, और हार्मोनल में इम्बैलेंस होगा तो PCOS और या PCOD में ज़्यादा आपको
प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो आपको मेडिटेशन पे ऐसा करने के बाद आपका जो लाइफ में जो स्ट्रेस है, आपका बॉडी में जो स्ट्रेस आप ले रहे हो, तो ये चीज़ आपको ओवरकम करने में बहुत हेल्प करेगा। स्ट्रेस जितना कम होगा, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस उतना ही बॉडी में कम होना स्टार्ट होगा। उसकी वजह से आपको स्लोली ग्रेजुअली आपको अच्छा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा बॉडी में। तो ऑब्वियसली मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पीसीओडी या पीसीओएस में। एंड उसके साथ से मेडिटेशन करने से नहीं होगा, आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 30 to 40 minutes इन अ डे पर डे। एंड उसके साथ आपको न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फुल बॉडी एंड माइंड आपका बैलेंस में रहे। एंड आप जब मेडिटेशन करेंगे, बैठ के भी कर सकते हैं एंड बैठ के भी कर सकते। सो गाइज, मेडिटेशन अभी से स्टार्ट करिए। और मैं आपको एक मेडिटेशन ऐप्स में शेयर ज़रूर करूँगी, जो मेडिटेशन का ऐप्स मैं फॉलो कर रही हूँ। मुझे ये ऐप्स मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारा एंग्जाइटी के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर एंड पैंडेमिक जो COVID-19 के ऊपर, फिर इमोशनल स्ट्रेस, ये सब के ऊपर बहुत अच्छा अच्छा मेडिटेशन वहाँ पे दिया गया है। एंड मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है, कम से कम डेली में 15 minutes या 12 minutes ऐसे करके मैं मेडिटेशन करती हूँ। आपको मेडिटेशन करना, लाइफ में प्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, अगर सक्सेस हो चाहते हैं, एक चीज़ में फोकस करना चाहते हैं तो। एंड अब मेडिटेशन करने के बाद मुझे बाद में प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, मुझे ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैं मेरा जैसे शेयर कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग भी, अब जो आपका एक्सपीरियंस होगा मेडिटेशन करने के बाद स्लोली स्लोली ग्रेजुअल लाइफ में, तो मेरे साथ आप शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा खुशी मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा हेल्प करने के बाद आप लोगों को ये चीज़ से। एंड गाइस, और एक बात, मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी, आप मुझे अगर सजेस्ट करेंगे कमेंट्स बॉक्स में तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगा अंदर से, क्योंकि आप लोगों को मैं हेल्प कर पा रही हूँ उससे, मतलब मुझे कमेंट्स आ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है चीज़ में कि मैं हेल्प कर पा रही हूँ लोगों को। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे बताओ कि किस चीज़ के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊँ ताकि आपको अच्छा मतलब रिजल्ट मिले मुझसे एंड आपको मैं हेल्प कर पाऊँ। जैसे कि एग्जाम्पल मैं वेट लॉस के ऊपर बनाऊँ, कि योगा के ऊपर बनाओ, कि कोई मतलब हेल्दी फूड्स के ऊपर बारे में बनाओ एंड वेट लॉस रेसिपीज के बारे में बनाओ। तो ऐसे मैं एग्जांपल दे दिया हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया है। सो आप मुझे बताओ कमेंट्स बॉक्स पे कि मुझे किसके ऊपर बनाना है नेक्स्ट वीडियो, ताकि मुझे और ज़्यादा हेल्प मिले और मुझे सपोर्ट भी आप मुझे कीजिए ऐसी इस तरह से। चलिए गाइस, तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay at home, take care of yourself.